गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कुस्को सिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माचू पिच्चू से पहले हम लोग कुस्को में थे, अभी वापस कुस्को में आ चुके हैं और ये है कुस्को का स्क्वायर और टूरिस्ट अट्रैक्शन का सबसे मेन और पहला पॉइंट कह सकते हैं, सबसे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है। उस समय ये पेरू की कैपिटल हुआ करती थी ये सिटी, राइट। हाँ, और अब ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती है और कम्प्लीटली टूरिस्ट के लिए के हिसाब से, और टूरिस्ट मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसका आर्किटेक्चर, ये चर्च है सामने जो दिख रहा है, और इसका आर्किटेक्चर देख क्या पता चला सकते कि ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो ये चीज़ें हैं इसमें लगता है आप यहाँ बैठो, नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी नहीं, वेल ऑर्गेनाइज, सब कुछ प्रॉपर है। और बैठना और टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है। और ये स्क्वायर सिटी के एकदम सेंटर में बना हुआ है और इसका नाम प्लाजा डी आर्मर है। और ये सिटी का हार्ट कह सकते हो इसको, सिटी सेंटर कह सकते हो, अच्छा टाइम बिता सकते हो यहाँ पर। ये जो आपको सामने, जो मेरे सामने चर्च दिख रहा है उसका नाम ला कैथेड्रल चर्च है, और मेरे राइट साइड में जो चर्च दिख रहा है उसका ला कंपनी है, ला कंपनी चर्च है। अभी हम लोग तीसरा चर्च देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ सिटी में चर्च ही चर्च है और उसके आसपास में अच्छा दो चर्च हो चुके हैं, अब हम तीसरे चर्च की ओर प्रस्थान करेंगे। सामने एक और आपको चर्च दिख रहा है, तीसरे चर्च पे हम लोग पहुंच चुके हैं जो स्क्वायर से बिल्कुल दो मिनट की वॉक पर है, और इस चर्च का नाम है ला मर्से और ये है लामा। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लाजा सैन फ्रांसिस्को चर्च जो सामने दो मिनट की दूरी पर है, वहाँ पर भी टूरिस्ट का जगार डालना है। और प्लाजा डी सैन फ्रांसिस्को में हमारे पहुँचते ही फाउंटेन चालू हो गया है, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। सांस सुनती है, यहाँ चलते ना तो सांस सुनने लगती है। भाई हाइट पे है 3500, लेह लद्दाख की हाइट पे है ये शहर पूरा लेह लद्दाख की हाइट की जितना ही है। आप चलते हो तो सांस सुनती है और पूरा रास्ते भी ऊपर नीचे है, सीधी घाटी पे बसा हुआ है तो सीधी सड़क नहीं है, तो चलते हो सांस ऊपर चलते, ठीक है। पहले भी ज़्यादा हो रहा था, आज अभी थोड़ा देर ही है, बॉडी थोड़ा थोड़ा यूज तो हो गई, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी सांस फूलती है। और ये सामने लिखा है, ये है नंबर 4 चर्च, सैन फ्रांसिस्को चर्च, और ये पूरा सैन फ्रांसिस्को प्लाजा है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटीज प्रैक्टिस हो रही है, ब्यूटीफुल और बहुत ब्यूटीफुल मौसम है। यस, कुछ क्या होता है हमें, थैंक यू। हाँ जाते हैं ना, राइट, 2 पीपल 15। ओके, इस वक्त हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए म्यूजियम में खड़े हुए हैं जहाँ अंदर कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं है। अभी मैं सिर्फ बाहर गार्डन में खड़ी हूँ, यहाँ 2 मिनट अलाउ, मतलब यहाँ पर आप कर सकते हो शूट,
ये भी चर्च को मुझे लगता है प्रेयर के लिए नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट के हिसाब से रखा हुआ है। नहीं, इसमें बहुत सी स्पेशल चीजें हैं जो जैसे कि यहाँ की साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट पेंटिंग है, और यहाँ पे जो फैमिलीज जो उस जमाने में थी उनके प्रीस्ट और उनकी फैमिली है उनको यहाँ पर उनकी सबकी हड्डियां वो भी है डेकोरेटेड करके प्रिजर्व करके रखी हुई है। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो एकदम यूनिक है, और लाइब्रेरी जो यहाँ की लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है वो उस उतने जमाने पुराना है, उतनी पुरानी हाथ से लिखी हुई सब किताबें हैं यहाँ पर, और पेंटिंग्स यहाँ पर काफी बहुत अच्छी अच्छी है, और साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट पेंटिंग यहाँ पर एक लगी हुई है, थोड़ा भूतिया महल टाइप लगता है अंदर पूरा से डार्क डार्क, और अब नीचे उतर के वो जो उनकी प्रिस्ट की जो पूरी इको इको हाँ और वहाँ इको होता है, और पूरी फैमिली की स्कल्प और हड्डियाँ सब जमा के। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक भुट्टा खरीदा है जिसका प्राइस है $500। इसके दाने का साइज आप देखो, और बॉईल किया हुआ है, सिका हुआ नहीं है, बॉईल किया हुआ है और एकदम गर्म है, और साथ में चीज देते खाने के लिए अच्छा है। कोरी कंचा का सन टेम्पल ऐसा था ओरिजिनली, उसका इन्होंने मिनिएचर बना के रखा है, मेन जिन के पत्थर टेम्पल का, टेम्पल का जो मेन टेक्निक एक दूसरे को फंसाना पत्थर और काटना तो फंसा देते थे, कहीं गोले बनाए कहीं स्क्वायर, उसको ये गोले में गोला डालते थे। ये पेंटिंग बनाई है उन्होंने, एस्ट्रोलॉजिकल पेंटिंग है स्टार्स की, इसके बारे में पढ़ो। मिल्की वे की पेंटिंग